कंप्यूटर नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है? जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो. ओके, अ नेटवर्क सेटअप बाय कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स. आप क्या कर रहे हो, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो. कैसे? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके, बाय यूजिंग द सपोर्टिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट. तो जब आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हो तो क्या होता है, आपको कनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज़ करना होता है. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग हार्डवेयर भी चाहिए, लाइक राउटर, स्विच, गेटवे, हब. ओके, थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स. अब आप किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, आप केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, वायर्ड कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हो, या वायरलेस यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप वेव्स का यूज़ कर रहे हो, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हो. ओके, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, राइट. तो कंप्यूटर नेटवर्क आप कैसे क्रिएट करते हो, जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, बाय यूजिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस, बाय यूजिंग द कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, गेटवे, हब्स. ओके, एंड बाय यूजिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक केबल्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, इट इनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो जब आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर देते हो तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वे एक कंप्यूटर्स एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, कमांड शेयर कर सकते हैं, राइट. वो क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं. ओके, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, राइट. हार्डवेयर कैसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी लैब के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो सारे कंप्यूटर्स आप एक वन प्रिंटर या वन स्कैनर के साथ अटैच होते हैं, राइट. आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड दोगे, वो कहां पे जाके एग्जीक्यूट होगी, उस पर्टिकुलर प्रिंटर या स्कैनर पे जाके एग्जीक्यूट होगी. तो यहां पे क्या हो रहा है, हार्डवेयर शेयरिंग हो रही है, राइट. ऐसे ही क्या होता है, जो आपका मेन सिस्टम होता है वहां पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, राइट. और उनकी कॉपीज को आप नेटवर्क कंप्यूटर्स के ऊपर यूज कर सकते हो. तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गई, फाइन. अब देखो पिक्चर के अंदर, देखो यहाँ पे आपका ये वायर्ड क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है, जहाँ पे वायर की हेल्प से क्या है, आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं, फाइन. देखो यहाँ पे स्विच है, आपके कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर है, सर्वर है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे कोई भी कमांड किसी को सेंड कर सकता है, राइट. एंड हेयर वी हैव वायरलेस कनेक्शन ऑल्सो. यहाँ पे देखो वायरलेस राउटर है जिसकी हेल्प से आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं, फाइन. तो दिस इज आर कंप्यूटर नेटवर्क. अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, फाइन. कंप्यूटर नेटवर्क के आपके एडवांटेज क्या हैं, ओके. एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहला क्या है, आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. जब आप डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, राइट. नेटवर्क इनेबल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल यूजर्स. नेटवर्क की हेल्प से क्या है, मल्टीपल यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेट कर सकते हैं. कोलैबोरेट मीन्स मिलकर काम कर सकते हैं, ओके. डिवाइसेस एंड लोकेशन, तो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करने वाले यूजर्स एंड डिफरेंट लोकेशंस पे रहने वाले यूजर्स, लाइक अगर एक ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक उसकी ब्रांच मुंबई में है, ओके. एंड बोथ द ऑफिसेज आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, वो दोनों ऑफिस क्या है, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं, नेटवर्क की हेल्प से काम कर सकते हैं, ओके. दिस फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. नेटवर्क की हेल्प से क्या कर, जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो काम कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, मेकिंग इट ईजियर फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स. तो अलग अलग सिटीज़ में बैठे लोग सेम प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, एंड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, और आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, वी कैन कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, राइट. नेक्स्ट वी हैव द शेयरिंग रिसोर्सेज. आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो. नेटवर्क अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेज. तो नेटवर्क की हेल्प से क्या होता है कि यूजर्स डिफरेंट लोकेशन पे जो भी अगर रिसोर्सेज हैं, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, स्टोरेज डिवाइसेज है, उनका यूज कर सकते हैं, ओके. तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स को शेयर कर सकते हो. दिस रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. इससे क्या है, आपकी कॉस्ट, आपका जो एक्सपेंस है वो घट रहा है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. सिंस दीज रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटेड फॉर ईच इंडिविजुअल
यूज़र। तो यहाँ पे हम आसानी से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हमें एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर या एक अलग हार्डवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको कंप्यूटर लैब का एग्जांपल दिया था कि आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया वन प्रिंटर या वन स्कैनर से, तो आपके जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो उसको यूज़ करें, एक हार्डवेयर को यूज़ करें, तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो गई और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। फाइन, नाउ रिड्यूस्ड कॉस्ट, नेटवर्क रिड्यूस कॉस्ट बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, ये सेम पॉइंट है। ठीक है, आपका जो एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा है, वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, रिड्यूसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ओके, हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई है। ओके, कम हो गई है बहुत, क्योंकि एक सिस्टम पे इंस्टॉल करके हम मल्टीपल सिस्टम्स उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंप्लीफाइंग मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। और यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारी हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम हो गया, तो ये नहीं कि बहुत सारा हार्डवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़े, तो मैनेजमेंट भी हमारा क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया, मेंटेनेंस भी सिंपल हो गया। हमने क्या किया, एक हार्डवेयर को यूज़ किया है मल्टीपल सिस्टम्स पे, एक डिवाइस को यूज़ किया है मल्टीपल सिस्टम पे, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क कैन इनेबल द यूज़ ऑफ क्लाउड सर्विसेज। अब नेटवर्क की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन अपना डेटा शेयर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर एक्सपेंसिव ऑन साइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप क्या है, आप अपना कितना भी इंपॉर्टेंट डेटा ऑनलाइन सेव कर सकते हो, आप क्लाउड सर्विसेज का यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको अपने खुद के सिस्टम में क्या है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर डिवाइसेस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप क्या कर सकते हो, क्लाउड सर्विसेज का यूज करके अपना जितना भी डेटा है उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। फाइन, नाउ एनहेंस्ड सिक्योरिटी, नेटवर्क्स इनेबल एनहेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स सच एज फायरवॉल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड एनक्रिप्शन। जब आप अपना क्रूशियल डेटा क्लाउड सर्विसेज पर स्टोर, मतलब क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके स्टोर कर रहे हो, तो ये नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी में कुछ कमी है, नहीं। नेटवर्क के अंदर क्या है, आपको एनहेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स मिलेंगे, मतलब बहुत बहुत ही आपको अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स मिलेंगे, जैसे फायरवॉल हो गया, ओके, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, बाहर से कोई उसको कोई इंट्रूडर उसके अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, एनक्रिप्शन की आपको फैसिलिटी मिलती है, राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेज हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एडवांटेज आपके साथ शेयर करे हैं। ओके, Evolution of networking, नेटवर्किंग का evolution कैसे हुआ, the seeds of internet were planted in 1969, जो first idea आया internet के लिए, okay, वो कब आया, 1969 में आया, when US Department of Defense sponsored a project, जब US के Defense Department ने एक project को sponsor किया जिसका नाम था ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, okay, और इसका goal क्या था, the goal of this project was to connect the computers as different यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। इसका गोल था यूएस डिफेंस को और यूएस की यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करना, उनके बीच मैसेज का एक्सचेंज करना। ओके, इन मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी द नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSF नेट। मिड 80s में क्या हुआ, एक दूसरी एजेंसी, ओके, एक दूसरी फेडरल एजेंसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, ओके, उस एजेंसी का नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम था NSF नेट। ओके, एंड दैट नेटवर्क वॉज क्रिएटेड टू बी स्ट्रिक्टली यूज फॉर द अकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। इस नेटवर्क का यूज अकेडमिक पर्पज के लिए और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए किया जाना था। ओके, NSF नेट वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET। NSF नेट बहुत ज़्यादा कैपेबल था, ओके, उसकी हाई कैपेसिटी थी एज कम्पेयर टू द ARPANET। ओके, इन 1990s द ARPANET, NSF नेट एंड सम अदर प्राइवेट नेटवर्क्स वर ज्वाइंट टुगेदर टू क्रिएट द इंटरनेट। 1990s में ARPANET, NSF नेट और कुछ अलग, ओके, प्राइवेट नेटवर्क, कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने अपना खुद का नेटवर्क किया, क्रिएट किया था, वो सारे क्या हुए, ज्वाइन हुए, और उन्होंने किसको इवॉल्व किया, किसको क्रिएट किया, इंटरनेट को क्रिएट किया। फाइन, ARPANET, NSF नेट एंड सम अदर प्राइवेट नेटवर्क्स
वर ज्वाइंड टू क्रिएट द इंटरनेट. उन्होंने चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए अपने नेटवर्क्स में, ओके, उसमें सुधार किया और क्या क्रिएट किया, इंटरनेट का क्रिएट, इंटरनेट को क्रिएट किया. ओके, तो सबसे पहले आपका आर्पानेट क्रिएट हुआ. ओके, उसके बाद आपका एनएसएफ नेट आया, एंड लेटर ऑन 90s में क्या हुआ, आर्पानेट, एनएसएफ नेट और जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स थे वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हुए, ज्वाइन हुए, एंड देन दे क्रिएटेड द इंटरनेट. Now, what is computer network? A computer network is a system that connects numerous independent computers in order to share information and resources. Computer network वो system है जिसके अंदर बहुत सारे computers को एक दूसरे से connect किया जाता है, जिससे वो आपस में information को share कर सकें, okay, data share कर सकें and resources को share कर सकें. A network connection can be established using either wires or wireless media. Network connection create करने के लिए, computer network create करने के लिए wires का भी use किया जा सकता है और वायरलेस मीडिया का भी यूज किया जा सकता है, लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एसेट्रा. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज. कंप्यूटर नेटवर्क को अकॉर्डिंग टू द साइज कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ फोर टाइप्स. फोर टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं. फर्स्ट वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन. फर्स्ट वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग ऑफिस. जब आप एक स्मॉल एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है. जैसे आप एक बिल्डिंग के अंदर अगर आप जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, एक ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे, तो वो नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है. लैन इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल. लैन का क्या यूज़ है, इसकी हेल्प से आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, डेटा को शेयर कर सकें. ओके, और ये कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया. कम्युनिकेशन मीडिया आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, राइट. इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट इज़ बिल्ट विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स, नेटवर्क एडेप्टर्स एंड इथरनेट केबल्स. लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही क्या है, इनएक्सपेंसिव है. ओके, ये आपके लिए बहुत फिजिबल है क्योंकि यहाँ पर जो हार्डवेयर यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. जैसे हब हो गया आपका, इथरनेट केबल्स हो गई, सो दे आर इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर मटीरियल डेट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग द लैन. द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर, राइट. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी. और लोकल एरिया नेटवर्क जब आप क्रिएट करते हो तो आप उसके अंदर अपने खुद के सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट वी हैव पर्सनल एरिया नेटवर्क. अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी पर्सनल टू अ यूज़र. पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है जिसे यूज़र अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्रिएट करता है. दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस और इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस. इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आप ब्लूटूथ डिवाइसेस का, जिसके अंदर ब्लूटूथ होता है उन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो, इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो. जैसे आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करते हो, राइट, बाय यूजिंग द ब्लूटूथ और बाय यूजिंग द हॉटस्पॉट. तो व्हाट इज दिस, दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. Now, PAN has connectivity range up to 10 meters. Personal area network को आप 10 meters के अंदर ही create कर सकते हो. Okay? PAN में include wireless computer keyboard. इसके अंदर आप wireless computer keyboards का use कर सकते हो, mouse का, wireless mouse का use कर सकते हो by using the personal area network, Bluetooth enabled headphones, wireless printers and TV remotes. Right? So, these devices are connected to each other by creating personal area network. Now we have MAN, Metropolitan Area Network. The Metropolitan Area Network generally expands throughout a city such as cable TV network. Metropolitan Area Network एक complete city को cover करता है, right? City के अंदर जितने भी छोटे छोटे networks होते हैं, छोटे छोटे lens होते हैं, जब वो एक दूसरे से join होकर complete network create करते हैं उसे Metropolitan Area Network कहा जाता है. यहाँ पर आप cable TV network का example ले सकते हो, जो क्या होता है, पूरी city में
कवर पूरी सिटी को कवर करता है, राइट ओके. ऐसे ही आपका मैन होता है जो एक कंप्लीट सिटी को कवर करता है, ओके. द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्जर ज्योग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लेंस टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क, राइट. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कैसे बनता है, एक सिटी के अंदर जितने भी लेंस हैं जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक बिगर नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसे मैन कहा जाता है, ओके. फॉर एग्जाम्पल मैन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू connect all of its offices in a city. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत सारे ऑफिस हैं एक सिटी के अंदर, राइट. तो उन सारे ऑफिसेस के लेंस एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या बनाएंगे, वो मैन बनाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट. अब यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो एक ऑफिस बिल्डिंग का नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी कैंपस का नेटवर्क है, रेजिडेंशियल एरिया का नेटवर्क है, गवर्नमेंट बिल्डिंग का नेटवर्क है. ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर सिटी के जितने भी नेटवर्क्स हैं, लैंड नेटवर्क्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या क्रिएट कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके. बैकबोन ऑफ मैन इज हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर. मैन क्रिएट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है. मैन वर्क्स इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या काम करता है, वो एक सिटी के लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है. मैन प्रोवाइड्स अपलिंक फॉर लैंस टू वैंस और इंटरनेट. मैन क्या प्रोवाइड करता है, ये कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है टू अ सैटेलाइट, राइट ओके. वाइड एरिया नेटवर्क, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज. वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, लाइक स्टेट्स, कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, फाइन. दीज नेटवर्क्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू मैंस एंड लेंस, राइट. और ये नेटवर्क क्या करता है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लेंस को और मैंस को. कैसे, एक आप एग्जांपल लो, एक सिटी के जितने भी लेंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर मैन क्रिएट करेंगे, और एक कंट्री के अंदर जितने भी मैन नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या करेंगे, एक कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट करेंगे. वो कंप्लीट नेटवर्क एक दूसरी कंट्री के कंप्लीट नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ऐसे आपका क्रिएट होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ओके. तो जितने भी सिटीज़ हैं, राइट, उनके नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट करके एक बहुत ही लार्ज नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है. A wide area network spans over large geographical area through telephone lines, fiber optic cables or satellite links. Wide area network पूरे world में फैला हुआ है, एक बहुत बड़े geographical area में फैला हुआ है, with the help of telephone lines, okay. उसको create करने के लिए हम किसका use कर रहे हैं, telephone lines का use कर रहे हैं, optical fibers का use कर रहे हैं, satellite links का use कर रहे हैं, ओके. द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल लेना है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का, तो इंटरनेट इज़ द मेन एग्जाम्पल, राइट. इंटरनेट क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, फाइन ओके. और ये किसका एग्जाम्पल है, वैन का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का. अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन. और वाइड एरिया नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फाइन. डिवाइसेस, फर्स्ट वी हैव मॉडम. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर. इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस डेट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, ओके. तो मॉडम क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. अब आपको पता है कंप्यूटर में जितना भी वर्क होता है वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर होता है. डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं, दीज आर नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट. नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक बार में कैरी करते हैं, राइट. एक साथ ही मल्टीपल वैल्यूज को कैरी नहीं करते हैं, ओके. तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है, राइट. तो जब कंप्यूटर अपना डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है, राइट, तो वो डेटा किसके थ्रू जाएगा, वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाएगा, राइट ओके. तो टेलीफोन लाइंस डिजिटल डेटा को कैरी नहीं करती हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करती हैं. तो यहाँ पे जो मॉडम डिवाइस है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, दे कैरी कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल्स
कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मॉडम जो आपके सेंडर कंप्यूटर के साथ अटैच है, उसका क्या वर्क है? उसका वर्क है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर। ओके, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एट द सेंडर साइट, राइट। जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, ओके, उसका मॉडम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, वन वन वैल्यू की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं, उसको वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन्स को पास कर देता है, ओके, एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एट द रिसीवर्स एंड, राइट। तो जो सेंडर्स कंप्यूटर का मॉडम था, उसने क्या किया? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। और जो कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है, राइट, अब डेटा को रिसीव किस फॉर्म में कर रहा है? वो डेटा को रिसीव कर रहा है एनालॉग फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मॉडम है, रिसीवर का मॉडम, वो क्या करेगा? वो इस डेटा को जो एनालॉग फॉर्म में है, उसको अगेन कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, राइट। डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ये अब रिसीवर कंप्यूटर को पास कर देगा, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो डीमॉड्यूलेटर दिया गया, यहाँ पे जो मॉडम है वो मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है, सेंडर की साइड पे मॉडम मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है, और रिसीवर की साइड पे मॉडम डीमॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है, ओके। इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन लाइन्स, तो इस तरीके से मॉडम का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, राइट। इट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स, तो मॉडम की हेल्प से कंप्यूटर टेलीफोन जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, राइट, ओके। बिकॉज हियर मॉडम इज कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, ओके। नाउ हियर वी हैव टाइप्स ऑफ मॉडम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम विच आर एज फॉलोज, तो हमारे पास दो टाइप के मॉडम है, इंटरनल मॉडम फिक्स्ड विद इन अ कंप्यूटर। इंटरनल मॉडम क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं, राइट, उसके मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं, वो आपका इंटरनल मॉडम है। यू कैन सी द पिक्चर हियर, फाइन। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल मॉडम कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर, जो मॉडम कंप्यूटर्स के साथ जो एक्सटर्नली मतलब बाहर कनेक्ट किए जाते हैं, वो कौन से मॉडम होते हैं? एक्सटर्नल मॉडम। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल मॉडम, ओके। नाउ हियर वी हैव इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड इज अ टाइप ऑफ एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच इज स्पेसिफिक टू इथरनेट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इथरनेट कार्ड क्या है? इथरनेट कार्ड एक टाइप का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसका मेन यूज कहाँ पे है? इथरनेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है। इथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर। इथरनेट क्या है? एक लैन आर्किटेक्चर है, एक डिजाइन है जहां पे कंप्यूटर को प्लेस किया जाता है, राइट, ओके। डेट यूजेस, इथरनेट क्या यूज करता है? बस टोपोलॉजी को यूज करता है, राइट। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल वायर से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ओके, इथरनेट केबल से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, या फिर स्टार टोपोलॉजी, फाइन, स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है इथरनेट आर्किटेक्चर, ओके। तो इथरनेट क्या है? इट इज अ लैन आर्किटेक्चर, और यू कैन से लैन डिजाइन, ओके, दैट यूजेस बस और स्टार टोपोलॉजीज एंड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर रेट्स ऑफ अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ओके। और जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है, ओके, जो ये लैन आर्किटेक्चर है, वो क्या करता है? वो डेटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ओके, राइट। तो यहाँ पे जो आपका इथरनेट कार्ड कहाँ पे यूज होता है? वो इथरनेट टेक्नोलॉजी में को क्रिएट करने के लिए उसको यूज किया जाता है, फाइन, ओके। द कंप्यूटर दैट आर पार्ट ऑफ इथरनेट, वो कंप्यूटर्स जो इथरनेट का पार्ट है, इथरनेट आर्किटेक्चर का पार्ट है, हैव टू इंस्टॉल इथरनेट कार्ड। उन कंप्यूटर्स को इथरनेट आर्किटेक्चर में कनेक्ट होने के लिए क्या इंस्टॉल करना जरूरी होता है? इथरनेट कार्ड को इंस्टॉल करना जरूरी होता है, ओके। An Ethernet card enables a computer to access the internet by means of an Ethernet cable. Okay, अब देखो Ethernet आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है? ये जो पिक्चर दी हुई है वो Ethernet card की पिक्चर है, फाइन। इसमें देखो Ethernet port बना हुआ है,
ओके इस पोर्ट में क्या जाके इंसर्ट होगी, इथरनेट केबल इंसर्ट होगी, और ये इथरनेट केबल किससे ज्वाइन होती है, ये आपके डिवाइसेस से ज्वाइन होती है, आपके कंप्यूटर से ज्वाइन होती है, राइट तो यहाँ पे क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स इथरनेट आर्किटेक्चर से ज्वाइन होना चाहते हैं, फाइन, उनको क्या इंस्टॉल करना होता है, इथरनेट कार्ड को इंस्टॉल करना होता है, फाइन, तो यहाँ पे क्या है, एन इथरनेट कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट, इथरनेट कार्ड की हेल्प से कंप्यूटर क्या कर सकता है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है बाय मीन्स ऑफ एन इथरनेट केबल, इथरनेट केबल की हेल्प से, फाइन, तो जो ये आपका इथरनेट कार्ड है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा जिसके अंदर इथरनेट केबल, इथरनेट केबल क्या होगी, आप इंसर्ट करेंगे, और ये इथरनेट केबल किससे ज्वाइन होगी, आपके लैन आर्किटेक्चर से ज्वाइन होगी, आपके इथरनेट आर्किटेक्चर से ज्वाइन होगी, फाइन, ओके, इथरनेट कार्ड आर इंटरनल एंड कम स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट न्यू कंप्यूटर्स, तो इथरनेट कार्ड कहाँ होते हैं, इंटरनल होते हैं, ये आउटसाइड इनको इंस्टॉल नहीं किया जाता, इनको कंप्यूटर के सीपीयू के और यू कैन से मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है, एंड कम स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट कंप्यूटर्स, और ये आप मोस्टली सभी कंप्यूटर्स में बाई डिफॉल्ट आते हैं, लैपटॉप्स में भी और डेस्कटॉप में भी, राइट तो आपको पता चल गया इथरनेट क्या है, इथरनेट कार्ड क्या है, इथरनेट कार्ड एक टाइप का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है, अगर आपका कंप्यूटर किसी भी लैन आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, राइट ओके, कैसे नेटवर्क से, जो इथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव RJ45, ओके RJ45 स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक 45, RJ45 की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक 45, RJ45 इज एन 8-वायर कनेक्टर, ये क्या है, एक 8-वायर कनेक्टर है विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लेंस स्पेशली इथरनेट्स, अभी हमने देखा था, ओके आपने इथरनेट कार्ड को क्या किया था, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था, आपके सिस्टम, ये देखो आपका ये जो है आपके सिस्टम के इनसाइड क्या है, इथरनेट कार्ड है, और उस इथरनेट कार्ड से क्या कनेक्ट हो रही है, आपकी RJ45 केबल कनेक्ट हो रही है, ओके ये देखो इसको आप RJ45 कनेक्टर कहोगे, और दिस इज योर इथरनेट केबल, ये आपकी इथरनेट केबल है, ओके फाइन, तो RJ45 कनेक्टर क्या है, एक 8-वायर कनेक्टर है, ओके जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को लैन आर्किटेक्चर में, स्पेशली इथरनेट आर्किटेक्चर में ज्वाइन करने के लिए, इथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर दैट यूजेस आइदर अ बस और स्टार टोपोलॉजी, इथरनेट क्या होता है, एक आर्किटेक्चर क्या है, एक डिजाइन है इथरनेट, ओके एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने का एक डिजाइन है जो किसको यूज करता है, बस टोपोलॉजी को यूज करता है, यहाँ पे देखो बस टोपोलॉजी को यूज किया जा रहा है, फिर उसके साथ साथ यहां पे स्टार टोपोलॉजी भी यूज हो रही है टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, राइट ओके अब जो यहां पे आपके जो सिस्टम है उसमें क्या है, इथरनेट कार्ड इंस्टॉल्ड है, फाइन, और वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वो RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट हो रहा है, और ये जो वायर है वो क्या है, इथरनेट केबल्स है, राइट RJ45 कनेक्टर्स आर इंसर्टेड इनटू RJ45 जैक्स ऑफ इथरनेट डिवाइसेस, फाइन, तो RJ45 कनेक्टर कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, ये जो ये बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, RJ45 जैक्स, दीज आर द RJ45 जैक्स, इथरनेट डिवाइसेस के RJ45 जैक्स के अंदर RJ45 कनेक्टर्स को इंसर्ट किया जाता है, ओके टू क्रिएट द इथरनेट आर्किटेक्चर्स, राइट ओके समझ आ गया, आप एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, देखो हमने इथरनेट कार्ड किया था, ओके ये आपका इथरनेट कार्ड था, उसके अंदर इथरनेट कार्ड के अंदर आप क्या इंसर्ट कर रहे हो, आप RJ45 कनेक्टर को इंसर्ट कर रहे हो इथरनेट पोर्ट के अंदर, फाइन ओके और इससे आपका क्या क्रिएट हो रहा है, इससे आपका एक लैन आर्किटेक्चर और यू कैन से एक इथरनेट आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, फाइन, जो क्या यूज करता है, बस टोपोलॉजी यूज करता है या फिर आपका स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है, ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव रिपीटर, रिपीटर क्या है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है, किस लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, सिग्नल्स को
स्ट्रेंथ देने के लिए, जब आपके सिग्नल्स एक लंबे डिस्टेंस में ट्रांसमिट होते हैं, ओके, एक लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है. फाइन, तो यहाँ पे हमें एक एम्पलीफायर की जरूरत होती है. तो रिपीटर जो डिवाइस होता है वो हमारा एम्पलीफायर होता है, वो एम्पलीफाई करता है, वो रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, सो दैट दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट दैम ओवर द नेटवर्क. तो रिपीटर का फंक्शन है जो उसके पास सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रीजनरेट करना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ओके, एंड उसके बाद उसको रीट्रांसमिट करना नेटवर्क के ऊपर. फाइन, द रिपीटर अलाउज टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू लार्ज एरिया डिस्टेंस. रिपीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक लार्ज एरिया डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपका लैन आर्किटेक्चर है. फाइन, उसने डेटा को ट्रांसमिट किया, रिपीटर के पास डेटा किया गया, रिपीटर ने उसको रीजनरेट कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया, और उसको फिर अगेन भेज दिया दूसरे आर्किटेक्चर के पास, मतलब दूसरे लैन आर्किटेक्चर के पास, लैन बी के पास. राइट, तो रिपीटर की हेल्प से डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है डेटा. फाइन, नेक्स्ट वी हैव हब. अ नेटवर्क हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क. हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है. ओके, अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे फिगर दी हुई है, दिस इज योर हब, ये आपका हब है, उससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, अटैच है. तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब. राइट, ओके, इट हैज सेवरल इथरनेट पोर्ट्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर. अब हब जो डिवाइस होता है उसके अंदर बहुत सारे इथरनेट पोर्ट्स बने होते हैं. ओके, इन इथरनेट पोर्ट्स में क्या है, आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं, एंड इसकी हेल्प से ये जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं, एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द हब कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू वन ऑफ द हब्स इथरनेट पोर्ट. ओके, सो व्हाट इट इज टेलिंग यू कि जितने भी डिवाइस हब से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो हब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइट, नाउ अब हब और स्विच में डिफरेंस क्या है. ओके, हब्स आर सिमिलर टू स्विचेस. हब स्विचेस की तरह ही हैं, बट आर नॉट एज स्मार्ट एज स्विच. लेकिन ये क्या है, स्मार्ट नहीं है. जितना स्विच स्मार्ट होता है उतना हब स्मार्ट नहीं है. व्हाइल स्विचेस सेंड इनकमिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, हब्स ब्रॉडकास्ट ऑल इनकमिंग डेटा टू ऑल एक्टिव पोर्ट्स. देखो स्विच क्या करता है, उसके पास जो डेटा आता है वो एक स्पेसिफिक जिसके लिए वो डेटा आया है, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए वो डेटा आया है उसके पास ही वो डेटा सेंड करेगा. लेकिन हब क्या करता है, मान लो इस कंप्यूटर ने हब को डेटा सेंड किया, ओके, यहाँ पे डेटा किया. अब हब क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इस डेटा को रिसीव करेगा और सारे डिवाइसेस के पास उस डेटा को हब सेंड कर देगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा. ठीक है, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा. तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब से, दे विल गेट द सेम डेटा. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ 5 डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू 8 पोर्ट हब. मान लो एक 8 पोर्ट का हब है जिसके अंदर 5 डिवाइसेज कनेक्टेड हैं. ऑल डेटा रिसीव्ड बाय द हब इज रिलेड टू द 5 एक्टिव पोर्ट्स. तो हब क्या करेगा, जितने भी 5 डिवाइसेज हैं उनको डेटा सेंड कर देगा. ओके, While this ensures the data gets to the right port. अब इससे ये तो होता है कि डेटा राइट पोर्ट के पास तो जाएगा. इट ऑल्सो लीड्स टू इनसफिशियंट यूज ऑफ द नेटवर्क बैंडविथ. लेकिन इससे क्या होता है, नेटवर्क बैंडविथ का इनसफिशियंट यूज भी होता है. ठीक है, बैंडविथ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क, राइट, इन बिट्स पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मिसयूज भी हो रहा है. फॉर दिस रीजन स्विचेस आर मच मोर कॉमनली यूज देन हब. तो इस रीजन से हब का कम यूज किया जाता है, स्विच का ज्यादा यूज किया जाता है. अब देखो सेम डेटा सारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सबके पास चला गया. राइट, एक तो बैंडविड्थ का मिसयूज हुआ. ओके, एंड सेकेंडली क्या है, यहाँ पे जो मैसेज है उसकी वो सिक्योर नहीं रहता, बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स आर गेटिंग द सेम मैसेज. फाइन, ओके, नाउ वी हैव
types of hub. There are two types of hub. Active hub, it acts as repeater. Active hub क्या करता है? Repeater की तरह काम करता है. It amplifies the signals as they move from one device to another hub. यहाँ पे जो active hub है वो क्या करेगा? Signals को एक device से दूसरे device के पास भेजने से पहले, send करने से पहले उसको amplify करेगा, उसको regenerate करेगा, उसको strength provide करेगा. Fine? Second आपका क्या है? Passive hub. It simply passes the signal from one connected device to another. पैसिव हब का क्या काम है? सिंपली वो क्या करेगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की को डेटा सेंड कर देगा, कोई भी उसमें वो एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, उसको रीजनरेट नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्विच. अ स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट और डिवाइड नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स और लैन सेगमेंट. स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम क्या है, बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना. उन छोटे नेटवर्क्स को आप सबनेट्स भी बोल सकते हो और लैन सेगमेंट्स भी बोल सकते हो. राइट, सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क. जब आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग भी कम हो जाती है. राइट, एक बहुत बड़े नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक जाता है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है. राइट, स्विच फॉरवर्ड्स अ डेटा पैकेट टू अ स्पेसिफिक रूट बाय एस्टैब्लिशिंग अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. स्विच को जब डेटा फॉरवर्ड करना होता है तो वो क्या करता है, एक टेम्पररी रूट क्रिएट कर देता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. आफ्टर द ट्रांसमिशन द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड. और जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन कम्प्लीट हो जाता है, वो कनेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. फाइन, ओके, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब. स्विच एंड हब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. अ हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट्स. ये मैंने अभी आपको बताया है. हब क्या करता है, जितना भी डेटा आता है वो सारे पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर देता है. व्हाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच कमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. लेकिन स्विच क्या करता है, सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिसके लिए वो डेटा आया होता है. राइट, ओके, फाइन. तो यहाँ पे स्विच क्या है, बेटर देन हब. Fine. So it is more smarter than the hub. Next we have router. A router is a networking device that forwards data packets between computer networks. Router क्या है, एक networking device है जो data packets को send करता है, okay, between the networks. Right? It interconnects different networks. Router का function क्या है, ये different networks को interconnect करता है, एक दूसरे के साथ join करता है. Okay? The simplest function of a router is to receive data packets from one connected network and pass them to another connected network. Router क्या करता है, एक network से data packets को receive करता है और दूसरे network को pass कर देता है. Right? Unlike bridge, a router chooses the best route to send the data packet. तो यहाँ पर router एक route को decide करता है कि किस route को उसको choose करना है और किस route के थ्रू उसको डेटा को सेंड करना है फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क. फाइन, तो नेटवर्क में क्या होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं. तो राउटर इज अ स्मार्ट डिवाइस दैट चूजेस वन रूट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क. राइट, एक इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ओके, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करता है. फाइन, next we have gateway. A gateway is a device which is used to connect dissimilar networks. Gateway क्या करता है, ये भी dissimilar networks को join करता है, एक दूसरे से connect करता है. The gateway establishes an intelligent connection between a local network and external network. तो यहाँ पे gateway का क्या function है, वो local network को external network से join करता है, okay, इन उन दोनों के बीच में एक intelligent connection create करता है which are completely different in structure. Local network और external network. External network आपका WAN हो सकता है, wide area network हो सकता है, आपका MAN हो सकता है, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है. तो दोनों का, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क को गेटवे ज्वाइन करता है. राइट, अ गेटवे इज अ नोड इन अ नेटवर्क विच सर्व्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर. गेटवे कैसे एक्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है एंड अ फायरवॉल सिस्टम, और फायरवॉल सिस्टम की तरह भी काम करता है. फाइन, आप देखो इस पिक्चर के अंदर देखो, ये एक लैन आर्किटेक्चर है, पूरा एक नेटवर्क है. फाइन,
किससे कनेक्ट है, जो आपका गेटवे से कनेक्ट है. अब गेटवे यहाँ पे फायरवॉल एज अ फायरवॉल भी वर्क कर रहा है और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क कर रहा है. ठीक है, अब एज अ फायरवॉल वो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस. अब आपका जो लैन है वो कहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है, वो वैन से कनेक्टेड है. आपका लैन वैन से कनेक्टेड है और बीच में क्या है, गेटवे है. गेटवे यहाँ पे एज अ फायरवॉल भी वर्क करेगा. फायरवॉल करके ये क्या करेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेगा. राइट, जो भी उसको साइट्स, जो भी उसको डेटा अनऑथोराइज्ड लगेगा उसको ये स्टॉप कर देगा यहीं पर ही, उसको अंदर नहीं जाने देगा. फाइन, और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क करेगा. प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करता है मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ आपको. इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट टेम्परेरीली. राइट, अब क्या जो भी डेटा है, जो जेन्युइन डेटा है, वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वैन टू द लैन. अब यहाँ पे ये क्या करेगा, उस डेटा की कॉपी क्रिएट कर लेगा अपने अंदर. ओके, सो दैट द रिपीटेड एक्सेस टू द सेम वेबसाइट और वेब पेज कुड बी डायरेक्टेड टू द प्रॉक्सी सर्वर. तो कॉपी क्रिएट होगी, नेक्स्ट टाइम जब आपका लैन उस सेम डेटा को मांगेगा, उसकी रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे फायरवॉल वैन से वो डेटा ना लेके, जो कॉपी उसने खुद में क्रिएट की है, खुद अपने सिस्टम में क्रिएट की है, वो कॉपी इस लैन को प्रोवाइड करेगा. राइट, तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रॉक्सी सर्वर वर्क कर रहा है. Okay, instead of the actual web server. Thus, it helps in reducing the traffic load. और इस केस में क्या है, ये ट्रैफिक लोड को भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि बार बार डेटा वैन से लैन में एक्सेस नहीं हो रहा है. ओके, और उसकी कॉपी सी जो इसकी ऑलरेडी इसने क्रिएट की हुई है, वो लैन को प्रोवाइड कर रहा है. तो इस केस में एज अ प्रॉक्सी सर्वर ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. फाइन, तो गेटवे इज वर्किंग एज अ फायरवॉल एज वेल एज प्रॉक्सी सर्वर. फाइन, नेक्स्ट वी हैव वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड इज सिमिलर टू द इथरनेट कार्ड. वाईफाई कार्ड किसके सिमिलर है, इथरनेट कार्ड की ही तरह है. जैसे इथरनेट कार्ड को इंस्टॉल करना जरूरी है लैन आर्किटेक्चर से कनेक्ट होने के लिए, इथरनेट कार्ड आर्किटेक्चर से कनेक्ट होने के लिए, ऐसे ही आपको अपने सिस्टम में वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल करना होता है. क्यों, बिकॉज इट अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट वायर. अगर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए, फाइन, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल करना जरूरी होता है. फाइन, तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है विदाउट वायर. ओके, इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल विद बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना. तो आपका वाईफाई कार्ड इंटरनल भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसको एक्सटर्नली भी आप लगा सकते हो. ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विद बिल्ट इन वायरलेस रेडियो होता है इसके अंदर एंड एंटीना होता है. फाइन, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये आपका वाईफाई कार्ड है अलॉन्ग विद द एंटीना. फाइन, ओके, एंड वायरलेस रेडियो. द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर पीसीआई एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड. तो अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्रिएट करना चाहते हो, वायरलेस कनेक्टिविटी डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वाईफाई कार्ड करोगे. जो और मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए क्या है, पीसीआई एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड. ओके, इट अलाउज अ डिवाइस डेस्कटॉप और लैपटॉप टू कनेक्ट टू द हॉटस्पॉट अवेलेबल. अगर आप वाईफाई कार्ड को आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने डिवाइस में, अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में, तो क्या होगा, वो हेल्प करेगा आपके डिवाइस को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने. Right? Okay. The advantage of using Wi-Fi card is that it allows computer, desktop or laptop to become part of the network without being physically connected to the wire. Right? तो यहाँ पे जो main use Wi-Fi card का है वो क्या है? It connects your computer with the wireless internet connection, right? Okay, तो यहाँ पे वाईफाई कार्ड की हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द वायर्स. आप एक नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो विदाउट फिजिकली कनेक्टेड टू द वायर्स. टॉपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टॉपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क. नेटवर्क टॉपोलॉजी किसी भी नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल लेआउट को डिफाइन करता है. फिजिकल लेआउट का मीनिंग है कि नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाएगा, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होगा. आर्किटेक्चर का मीनिंग है डिवाइसेस को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कहाँ कहाँ रखा जाएगा, कैसे प्लेस किया जाएगा, कैसे उनको कनेक्ट किया जाएगा, किस मीडियम से उनको कनेक्ट किया जाएगा, वायर्ड मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा या वायरलेस मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा. राइट, नेटवर्क टॉपोलॉजी में किसी भी नेटवर्क के लॉजिकल लेआउट को भी डिफाइन किया जाता है. मीन्स एक नेटवर्क के अंदर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस
पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैसे जाएगा, मतलब कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा डेटा को. फाइन, ओके. इट डिफाइंस द वे डिफरेंट नोड्स आर प्लेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन अ नेटवर्क. नेटवर्क टॉपोलॉजी डिफाइन करता है, बताता है कि एक नेटवर्क में नोड्स को कैसे प्लेस किया जाएगा, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कैसे प्लेस किया जाएगा, कहाँ कहाँ उनको अटैच किया जाएगा, रखा जाएगा, एंड कैसे उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, इंटरकनेक्ट किया जाएगा. ओके. नेटवर्क टॉपोलॉजी ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज नोड्स. नेटवर्क टॉपोलॉजी ये भी डिफाइन करता है कि एक नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा एक नोड से दूसरे नोड तक. राइट, ओके. कैसे डेटा का ट्रांसमिशन होगा विद इन अ नेटवर्क. ओके. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टॉपोलॉजीज. नेटवर्क टॉपोलॉजीज दो तरीके की होते हैं, इनके दो टाइप्स हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल. फिजिकल टॉपोलॉजी एम्फेसाइजेस द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस एंड नोड्स. फिजिकल टॉपोलॉजी डिफाइन करता है किसी भी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट, मींस उसका आर्किटेक्चर क्या है. राइट, डिवाइसेस को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, किस मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा. राइट, ओके. लॉजिकल टॉपोलॉजी फोकसेस ऑन द पैटर्न ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द नेटवर्क नोड्स. और लॉजिकल टॉपोलॉजी किस पे फोकस करता है कि कैसे डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा एक नोड से दूसरे नोड तक. राइट, ओके. फर्स्ट वी हैव स्टार टॉपोलॉजी. इन स्टार टॉपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच. स्टार टॉपोलॉजीज में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं. ओके, और ये सेंट्रल डिवाइस आपका हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है. राइट, ऑल द कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल डिवाइस. जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल करता है. फाइन, द सेंट्रल डिवाइस कैन बी आइदर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मीन्स डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क. अगर आप सेंट्रल डिवाइस में हब को यूज़ कर रहे हैं तो क्या वर्क करेगा, वो एज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस वर्क करेगा, और जितना भी उसके पास डेटा आएगा वो सारे कंप्यूटर्स को सेम डेटा क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. फाइन, ब्रॉडकास्ट कर देगा. ओके, और एज अ यूनिकास्ट डिवाइस. और अगर आप हब के प्लेस पर अपनी स्टार टॉपोलॉजी के अंदर स्विच को यूज़ कर रहे हैं तो स्विच एज अ यूनिकास्ट डिवाइस वर्क करेगा, विच मीन्स द सेंट्रल डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड. सेंट्रल डिवाइस डेस्टिनेशन नोड को आइडेंटिफाई करेगा. ओके, उस नोड को आइडेंटिफाई करेगा जिसके पास वो डेटा जाना है, जिसके पास वो मैसेज जाना है, एंड फॉरवर्ड द डेटा टू डैट नोड ओनली. और उस डेटा को उस पर्टिकुलर नोड को ही फॉरवर्ड करेगा, सारे के सारे डिवाइसेस जो उससे अटैच है उनको फॉरवर्ड नहीं करेगा. ओके, नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टॉपोलॉजी इज़ वेरी इजी एज ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस. स्टार टॉपोलॉजी का इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी नोड्स हैं, उनको एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करना है. फाइन, फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजी. इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्ट करना बहुत ईजी है. फेलर ऑफ सिंगल सिस्टम विल नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क. अगर किसी भी नोड के अंदर कोई फेलर होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पूरे सिस्टम को क्रैश नहीं करेगा. ओके, allow several types of cables in same network. Star topology में आप बहुत सारे types के cables का use कर सकते हैं, like coaxial cable, okay, twisted pair cable. Maintenance of the network is easy. Star topology के अगर आप अपने network को star topology के form में create कर रहे हैं तो उसका maintenance बहुत easy है. Now we have disadvantage of star topology. In star topology, each node must be linked to a central device. Star topology में क्या है, जितने भी devices हैं, जितने भी nodes हैं, वो central device से connect होते हैं. Okay? For this reason, more cabling is required in star topology as compared to the bus or ring topology. तो as compared to the other topologies like bus topology or ring topology, star topology में cabling ज़्यादा चाहिए. right, उसमें ज़्यादा cables आपको चाहिए because all the devices are connected with the help of the cables. okay, the network crucially depend on the central device. if the central device fails, the entire network will be disabled. ये जो network है वो पूरा का पूरा central device के ऊपर ही depend है. अगर central device fail हो जाता है तो complete network disable हो जाएगा. ओके, परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल डिवाइस. और अगर इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी पूरा किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सेंट्रल डिवाइस. राइट, नेक्स्ट वी हैव बस टॉपोलॉजी. इन बस टॉपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, कंप्यूटर्स
एंड पेरीफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉन्टिन्यूस केबल कॉल्ड बस. बस टॉपोलॉजी में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं जिसको बस कहा जाता है, राइट. डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन. जब कोई भी नोड या कोई भी डिवाइस जो बस से कनेक्टेड है डेटा ट्रांसमिट करता है, राइट, वो डेटा बस के दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. ओके, जितने भी नोड्स अटैच्ड होते हैं वो डेटा उन सब के पास जाता है. फाइन, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स नोन एज पैकेट्स. और डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जहाँ पे पैकेट्स के हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि उस डेटा को कहाँ जाना है, एंड डेटा होता है. ओके, ईच पैकेट हैज़ अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. ओके, जितने भी पैकेट्स ट्रेवल करेंगे, फाइन, वो एक डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करेंगे. फाइन, उनके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होता है कि उन पैकेट्स को कहाँ जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है. ईच नोड ऑन द नेटवर्क चेक्स वेदर द डेटा पैकेट्स आर एड्रेस टू इट और नॉट. अब यहाँ पे क्या है, डेटा जो कोई भी डिवाइस डेटा जो ट्रांसमिट करता है वो बस में दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, तो जितने भी नोड्स अटैच्ड होते हैं एक पर्टिकुलर बस में, वो उन डेटा पैकेट्स को चेक करते हैं, राइट. ओके, वो चेक करते हैं कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उनका है या नहीं है, राइट. द डेस्टिनेशन नोड आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑन द पैकेट्स एंड रिसीव देम. जब डेस्टिनेशन नोड के पास वो डेटा पैकेट जाता है तो वो उन डेटा पैकेट्स को रिसीव कर लेता है. फाइन, नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ बस टॉपोलॉजी. ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस, सो वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड. सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत ही कम केबल रिक्वायरमेंट है. ओके, बिकॉज जितने भी नोड्स हैं वो एक पर्टिकुलर सिंगल केबल से अटैच्ड हैं, सेंट्रल केबल से अटैच हैं. द आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल, रिलायबल एंड लीनियर. आर्किटेक्चर इसको बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि एक लीनियर फॉर्म में इसका आर्किटेक्चर है. ओके, बस टॉपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड इजिली ऑन आइदर साइड. बस टॉपोलॉजी को आप इंक्रीज कर सकते हो, मोर केबल ज्वाइन करके आप उसके अंदर डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो. Both the ends of the bus have terminators which absorbs the signals so that same signals are not reflected back to the bus, confusing the whole data flow. अब देखो, इसके दोनों एंड पे बस जो केबल होती है उसके दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स होते हैं, राइट. इससे क्या होता है कि सिग्नल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि सिग्नल्स दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं. कोई भी अगर डिवाइस ट्रांसमिट करता है तो सिग्नल दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो एंड में अगर वो एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, टर्मिनेटर्स पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे वो सिग्नल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते. रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या होगा, उसकी कॉपीज बन जाएगी. फाइन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या होता है, टर्मिनेटर्स होते हैं एंड टर्मिनेटर्स एब्जॉर्ब्स द सिग्नल्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टॉपोलॉजी. In case of any fault occurred in the data transmission, fault isolation is very difficult. We have to check the entire network to find the fault. अगर कोई भी fault होती है, right, data transmission में, तो यहाँ पर आपको पूरा system check करना पड़ेगा क्योंकि data पूरे जो आपका cable है उसमें दोनों directions में travel करता है, right? Becomes slow with increase in number of nodes. जैसे जैसे आप number of nodes इसमें increase करते हो, ये system, ये topology क्या होती है, slow पड़ जाती है, इसमें data transmission slow हो जाता है. okay? Only a single message can travel at a particular time. और यहाँ पे एक ही message travel करेगा एक time पर. अगर एक से ज़्यादा travel करेंगे तो confusion create हो जाएगी. लो सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा. और यहाँ पे ये सिक्योर नहीं है क्योंकि सेम डेटा क्या होता है, सबके पास जाता है. ओके, तो दिस इज नॉट सिक्योर. देयर इज अ लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स डेट कैन बी कनेक्टेड, नॉट सुटेबल फॉर बिग नेटवर्क. बस टॉपोलॉजी बिग नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है. ओके, क्योंकि जो सेंट्रल केबल है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि इतनी ही लंबी हो सकती है, और नंबर ऑफ नोड्स की भी लिमिटेशन है, आप ज़्यादा नोड्स अटैच नहीं कर सकते. फाइन, नेक्स्ट वी हैव ट्री टॉपोलॉजी. इन कंप्यूटर नेटवर्क्स अ ट्री टॉपोलॉजी इज समटाइम्स नोन एज स्टार बस टॉपोलॉजी. कंप्यूटर नेटवर्क में ट्री टॉपोलॉजी को स्टार बस टॉपोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, स्टार एंड बस टॉपोलॉजी का. बिकॉज इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार एंड बस टॉपोलॉजीज टू क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ट्री टॉपोलॉजी को स्टार बस टॉपोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्टार एंड बस दोनों टॉपोलॉजीज के फीचर्स को यूज़ करके ट्री लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है. ओके,
In this topology, every branch contains star network and its main structure is designed in the form of a bus backbone cable. तो यहाँ पे देखो देखो फिर से देखो इन दिस टॉपोलॉजी एवरी ब्रांच कंटेन स्टार नेटवर्क. जो ट्री टॉपोलॉजी के अंदर ब्रांचेस हैं ओके वो क्या है, वो स्टार टॉपोलॉजी है राइट. एंड जो उसका बैकबोन है राइट वो क्या है, वो बस टॉपोलॉजी है ओके. तो यहाँ पे देखो स्टार टॉपोलॉजी प्लस बस टॉपोलॉजी कंबाइंड करके आपका ट्री टॉपोलॉजी क्रिएट हो रहा है. फाइन यू कैन सी यहाँ पे जो देखो इसका सेंट्रल नोड है वो क्या है, बस टोपोलॉजी है और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो क्या है, स्टार टोपोलॉजी है ओके. नाउ द प्राइमरी बस इज अटैच्ड टू वन और मोर बसेस. आपका जो सेंट्रल नोड है दिस इज द प्राइमरी बस ओके. इट इज अटैच्ड टू वन और मोर बसेस, वो एक या एक से ज्यादा और बसेस से कनेक्ट है. यहाँ पे देखो ये बसेस है फाइन ओके. एंड स्विचेस बसेस से कनेक्ट है और स्विच से कनेक्ट है फाइन. विच फर्दर कनेक्ट टू वन और मोर नेटवर्क डिवाइसेस एंड नेटवर्क नोड्स ओके. और जो आपके स्विच हैं वो फर्दर किससे कनेक्ट है, और दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस से नेटवर्क नोड्स से कनेक्ट है फाइन. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल कंप्यूटर नेटवर्किंग मेथड डेट अलाउस यू टू एड नेटवर्क डिवाइसेस टू दिस नेटवर्क बाय सिंपली एक्सपेंडिंग द स्टार नेटवर्क एट ईच ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो ये क्या कह रहा है कि ये जो टॉपोलॉजी है, ट्री टॉपोलॉजी है, वो वेरी फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप और डिवाइसेस को ज्वाइन कर सकते हो, आप ब्रांचेस को ऐड कर सकते हो इसके अंदर ओके. और ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर स्टार टॉपोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो उस स्टार टॉपोलॉजी में आप और डिवाइसेस को ऐड ऑन कर सकते हो फाइन. नाउ हाउ ट्री टॉपोलॉजी नेटवर्क वर्क्स. अब आप देखेंगे कि ट्री टॉपोलॉजी नेटवर्क वर्क कैसे करता है. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है ट्री टॉपोलॉजी का. इफ द सर्वर वांट्स टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू नोड आई. यहाँ पे देखो ये हमारा सर्वर है ओके. ये किससे कनेक्शन करना चाहता है, ये नोड आई से कनेक्शन करना चाहता है, इसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है. इट विल एनकैप्सुलेट द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा. तो ये डेटा पैकेट सेंड करेगा राइट. और उसमें ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेटा का पैकेट इसने बनाया ठीक है, एनकैप्सुलेट करके ओके. देन इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू बैकबोन केबल आफ्टर कंप्लीटिंग द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस ठीक है. इसका मीनिंग यही है कि ये जो सर्वर है एक डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है यहाँ पर नोड आई पर फाइन. तो इसने एक अपने सिग्नल को क्रिएट किया जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस है और जो डेटा वो सेंड करना चाहता है वो डेटा है फाइन. तो उसने क्या किया, बैकबोन केबल, ये क्या है, ये जो आपकी है बैकबोन केबल है, इसमें ये मैसेज ट्रांसमिट कर दिया फाइन. द एनकैप्सुलेटेड पैकेज विल स्टार्ट टू पास ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बस बैकबोन नेटवर्क. अब ये जो मैसेज है, ये जो सिग्नल है, वो दोनों साइड्स क्या होगा, ट्रांसमिट होगा ठीक है, केबल के दोनों साइड ट्रांसमिट होगा. द पैकेट विल फर्स्ट गो टू द स्विच एस वन. सबसे पहले पैकेट कहाँ जाएगा, देखो सबसे पहले पैकेट जाएगा स्विच एस वन के अंदर जाएगा. विच विल एग्जामिन द पैकेट्स डेस्टिनेशन एड्रेस आफ्टर रिसीविंग इट. स्विच क्या करेगा, इसका जो पैकेट है उसका एड्रेस को एग्जामिन करेगा और देखेगा कि क्या ये जो एड्रेस है वो उसके नोड्स से मैच करता है या नहीं. इट विल ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड द पैकेज इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस डज नॉट मैच दिस पोर्शन. और अगर वो इसके किसी भी नोड के एड्रेस से मैच नहीं करता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको रिसीव नहीं करेगा राइट. सिमिलरली द एनकैप्सुलेटेड पैकेट विल रीच द स्विच एस टू. उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्विच एस टू के पास जाएगा, जो पैकेट है वो एस टू के पास जाएगा ओके राइट. यहाँ पे एस टू भी उसका क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा. इफ इट फाइंड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस डजंट मैच इट विल सेंड द पैकेज टू द स्विच थ्री. अगर ये देखे इसको पता चलेगा कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है इसके किसी भी नोड के साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो उसे कहाँ सेंड कर देगा, वो उसे S3 स्विच के पास सेंड कर देगा फाइन. तो S3 क्या करेगा, विल फाइंड द लिंक. अब यहाँ पे उसको मिल गया है कि ये इसके किसी नोड के एड्रेस से मैच करता है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लिंक को फाइंड करेगा ओके. एंड उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा उस पर्टिकुलर नोड के पास. तो यहाँ पे S3 इसको रिसीव करेगा और इसको I नोड के पास क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा ओके. This is how a tree topology network works. Now here we have advantages of tree topology. Okay, if one or more nodes have failed in the network, they do not affect the entire network. अगर एक या दो node में क्या आती है, problem आ जाती है, इससे पूरा network effect नहीं करता है.
राइट एंड द नेटवर्क कैन स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ अ सिंगल स्विच और हब हैज़ बीन डैमेज. अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई एक स्विच या एक हब क्या होता है खराब हो जाता है, वर्क नहीं करता, तो उससे भी पूरे नेटवर्क पे असर नहीं पड़ता है. फाइन. A tree topology network can be managed and maintained easily. एक tree topology network को आराम से manage किया जा सकता है, आराम से maintain किया जा सकता है. In this topology, node expansion is very easy and fast. यहाँ इस topology के अंदर आप आसानी से nodes को add on कर सकते हो, आप branches के अंदर क्या कर सकते हो और devices को add कर सकते हो. Okay? It contains an easy process to detect an error. आप इस topology के अंदर error को आसानी से detect कर सकते हो. Fine. Due to the utilization of intelligent hub or switch, tree topology gives much greater performance than bus network. अब tree topology में क्या होता है, switch का use किया जाता है, okay, जो एक intelligent device है, okay, तो यहाँ पे tree topology bus topology से better हो जाती है performance wise, okay. Disadvantages of tree topology. Dependent on the main bus cable, tree topology completely जो मेन उसका बस केबल है, सेंट्रल बस केबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. इफ़ इट गेट्स डैमेज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रांचेस डिसकनेक्ट्स. अगर सेंट्रल बस में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा, ब्रांचेस के बीच में कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा. फाइन. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बस टॉपोलॉजी एंड स्टार टॉपोलॉजी, सो इट इज़ मोर कॉस्टली एज यू नीड द इक्विपमेंट फॉर बोथ द टॉपोलॉजीज टू क्रिएट अ नेटवर्क. अब यहाँ पे ट्री टॉपोलॉजी क्रिएट करने के लिए आपको बस टॉपोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ रहा है और स्टार टॉपोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो इन ये दोनों टॉपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको दोनों टॉपोलॉजीज के डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ेगा. फाइन. तो ये क्या हो जाता है, आपके लिए कॉस्टली पड़ जाता है. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूज एंटरप्राइजेस. आप ट्री टॉपोलॉजी को बहुत बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. राइट. इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क केबल. इसके अंदर बहुत सारा नेटवर्क केबल का यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द नेटवर्क बिटवीन द डिवाइसेज. ओके. विच इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज एंड प्लेस. ट्री टॉपोलॉजी के अंदर केबलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे केबल्स का यूज़ किया जाता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिबल नहीं है और इसको ईजिली मैनेज नहीं किया जा सकता. Next we have mesh topology. It is also known as completely interconnected topology. Mesh topology को completely interconnected topology भी कहा जाता है. Right? In mesh topology, every node has a dedicated point-to-point link to every other node. Mesh topology के अंदर जितने भी nodes होते हैं उनका बाकी जितने भी nodes हैं network के अंदर सबसे point-to-point link होता है. Right? Point-to-point link होता है. यहाँ पर कोई connecting device नहीं होती, बीच में कोई connecting device या connecting आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है. जितने भी नोड्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक है. ओके. ईच नोड इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग मैसेज टू एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम अदर नोड. जितने भी नोड्स हैं वो कैपेबल हैं, ओके, एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए और एक दूसरे से मैसेज रिसीव करने के लिए. द नोड्स एक्ट एज रिलेज पासिंग ऑन मैसेज टूवार्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. यहाँ पे जो नोट्स होते हैं वो रिलेज की तरह वर्क करते हैं, वो मैसेज को एक दूसरे के पास पास करते रहते हैं जब तक कि मैसेज फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुँच नहीं जाता. Now we have advantages of mesh topology. Avoid traffic since each link can carry its own data and none are being shared. तो यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक नहीं होता, ओके, नेटवर्क ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि जो भी नोड है, राइट, जितने भी नोड्स हैं उनका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है और जो पर्टिकुलर मीडियम है वो उस डेटा को कैरी करता है. ओके. इफ वन लिंक ब्रेक्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शन. अब अगर कोई एक लिंक ब्रेक हो भी जाता है तो इसका कंप्लीट नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता है, वो वर्क करता रहता है. राइट. इजी टू डिटेक्ट अ प्रॉब्लम इन द नेटवर्क बाय डिस्कवरिंग विच डिवाइस इज हैविंग प्रॉब्लम एंड एग्जामिनिंग द लिंक डेट कनेक्ट्स टू इट. ओके. तो यहाँ पे प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना बहुत ही ईजी है, डिस्कवर करना बहुत ही ईजी है, ओके, कि किस डिवाइस में प्रॉब्लम है और या फिर किस लिंक में प्रॉब्लम है. फाइन. इसको एग्जामिन किया जा सकता है आसानी से.
नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी. यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग वायर केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केबल रिक्वायरमेंट है ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ओके, तो केबलिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे वायरिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि बहुत सारे एक नोड को जितने भी डिवाइसेस है सबके साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वायरिंग हो जाती है. एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क्स, और बहुत ज़्यादा केबल यूज हो रही है तो केबलिंग कॉस्ट भी क्या है, हाई है ओके. नेक्स्ट वी हैव रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन. रिंग टोपोलॉजी वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, वो नेटवर्क डिजाइन है वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, जहाँ पे डिवाइसेस को राइट नोड्स को एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है टू फॉर्म अ लूप राइट, एक सर्कल बनाने के लिए, एक लूप बनाने के लिए राइट. इन दिस सेटअप ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस. इस सेटअप के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो दो डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन राइट. और ऐसे क्या बनाते हैं, वो एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए राइट. एक ऐसा पाथ जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जहां पे डेटा ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली होता है राइट. डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा ट्रेवल करता है एक ही डायरेक्शन से ट्रेवल करेगा फाइन, आइदर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज अराउंड द रिंग. तो यहाँ पे देखो रिंग टॉपोलॉजी में रिंग की फॉर्म में डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है ओके, और जो डेटा ट्रेवल करता है वो अराउंड द रिंग ट्रेवल करता है. फ्रॉम मान लो यहाँ पे हमारा ये हमारा डिवाइस ए है, दिस इज आर ए डिवाइस, और डेटा को जाना है इसके पास, इसका ए बी सी डी ई है, ये वाला आपका ई है फाइन. तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए से ट्रेवल करेगा फिर बी के पास जाएगा, दिस इज बी राइट, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी ओके, एंड डेस्टिनेशन क्या है ई. तो ये सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल करते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, डेस्टिनेशन के पास, ई के पास राइट. डेटा ट्रेवल्स इन ओनली वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग पासिंग थ्रू ईच डिवाइस अंटिल इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन. तो डेटा हर एक डिवाइस के पास से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है फाइन. हाउ डज रिंग टोपोलॉजी वर्क, रिंग टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है. इन अ रिंग टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट इन अ सिक्वेंशियल मैनर. रिंग टोपोलॉजी में डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जाता है एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, वन बाय वन, एक सिक्वेंस में राइट. वेन यू सेंड डेटा फ्रॉम योर डिवाइस इट ट्रेवल्स टू द नेक्स्ट डिवाइस इन द रिंग एंड दैट डिवाइस पासिस इट अलॉन्ग टू द नेक्स्ट डिवाइस अंटिल इट रीचेस द इंटेंडेड रेसिपिएंट. जब आप अपने डिवाइस से डेटा को सेंड करते हो तो नेक्स्ट डिवाइस के पास जाता है, नेक्स्ट डिवाइस उसको अगेन नेक्स्ट डिवाइस के पास सेंड करता है फाइन. ये डेटा कब तक ट्रेवल करता है, जब तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है फाइन. ईच डिवाइस इन द रिंग एक्ट्स एज अ रिपीटर. अब देखो डेटा क्या, डेटा को हर डिवाइस के पास जाना होता है, तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद वो एज अ रिपीटर एक्ट करते हैं. रिपीटर क्या करता है, डेटा को रीजनरेट करता है ओके, रीजनरेटिंग एंड रीट्रांसमिटिंग द डेटा. रिपीटर का क्या वर्क होता है, वो डेटा को रिसीव करने के बाद रीजनरेट करता है और उसको रीट्रांसमिट करता है राइट. तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो एज अ रिपीटर वर्क करते हैं, वो डेटा को रिसीव करते हैं, उसे रीजनरेट करते हैं और रीट्रांसमिट करते हैं टू द नेक्स्ट डिवाइस राइट. अगर रीजनरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जितने इतने सारे डिवाइसेस के पास जाके डेटा क्या होगा, वीक हो जाएगा, सिग्नल्स वीक हो जाएंगे फाइन. तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो एज अ रिपीटर काम करते हैं फाइन, एंश्योरिंग दैट इट कंटिन्यूज टू फ्लो अराउंड द रिंग. तो डेटा रीजनरेट होता रहता है और ये इंश्योर होता है कि वो रिंग में तब तक ट्रेवल करेगा जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता ओके. एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनके पास इक्वल एक्सेस होता है, मीन्स दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सेंड एंड रिसीव डेटा. वो डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं.
It reduces the chance of packet collisions as all the data flows in one direction in this topology. Ring topology में जितना भी data होता है वो एक direction में travel करता है. इससे क्या होता है, packet collision नहीं होगा, packets एक दूसरे के अंदर collide नहीं होंगे, एक दूसरे के जाके टकराएंगे नहीं. Fine. It has the ability to send data at high speeds. Ring topology में data high speed में travel करता है. Okay. In this network, if you add additional workstation, they do not impact the performance of the network. अगर ring टॉपोलॉजी के अंदर आप और वर्क स्टेशन ऐड करते हो तो इससे इसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. फाइन. Disadvantages of ring topology. It is much slower as compared to the star topology. Ring topology, star topology के comparison में slow है. As all data in ring topology must pass through each workstation on the network, that makes it slower. Ring topology में जितना भी data होता है उसको workstation, जितने भी workstations हैं उनसे pass होकर जाना होता है. इससे क्या होता है, इसकी speed slow हो जाती है. If one workstation gets failed, the entire network will be impacted. अगर एक भी workstation fail हो जाता है तो ये पूरे network को impact करता है. Fine. क्योंकि देखो डेटा क्या है, सर्कुलर वे में ट्रेवल करता है. अगर एक भी वर्क स्टेशन खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वो डेटा यहीं पे आके रुक जाएगा. फाइन. वो आगे जाएगा ही नहीं. राइट. मूविंग एडिंग और चेंजिंग द डिवाइसेस कैन अफेक्ट द नेटवर्क. अगर आप रिंग टॉपोलॉजी के अंदर डिवाइसेस को मूव करते हो, ऐड करते हो या उनको चेंज करते हो, इससे क्या होता है, पूरा नेटवर्क अफेक्ट करता है. रिंग टॉपोलॉजीज आर नॉट वेल सुटेड फॉर लार्ज नेटवर्क. तो रिंग टॉपोलॉजी स्मॉल नेटवर्क के लिए तो सही है, बट लार्ज नेटवर्क के लिए ये सूट नहीं करती है. ओके. What is MAC address? MAC address वो address है जिसको computer के network interface card में fix किया जाता है जब computer को बनाया जाता है. Right? ये address computer को uniquely identify करता है network पे. मतलब अगर आपका computer network से connected है तो इसका एक unique address होगा जिसको MAC address कहा जाता है. Right? अब देखो जितने भी computers हैं वो network से तभी connect हो सकते हैं जब उनके अंदर network interface card हो. राइट. तो मैक एड्रेस क्या होता है, 48 बिट का एक हार्डवेयर नंबर होता है जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर फिक्स किया जाता है. और फिक्स इसलिए किया जाता है कि अगर आपका डिवाइस, आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसके पास अपना एक यूनिक एड्रेस हो. ओके. जिस एड्रेस के वजह से वो आइडेंटिफाई हो सके. फाइन. अब यहाँ पे देखो, मैक एड्रेस आर यूनिक 48 बिट हार्डवेयर नंबर ऑफ अ कंप्यूटर. ये एक 48 बिट का हार्डवेयर नंबर है जो कंप्यूटर को दिया जाता है. डेट आर एम्बेडेड इनटू द नेटवर्क कार्ड. जिसको कहाँ फिक्स कर दिया जाता है, नेटवर्क कार्ड के अंदर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्यूटर. ओके. द मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहा जाता है. एंड ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस. इसको कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है. हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं. एंड बर्नड इन एड्रेस भी कहा जाता है. ओके. ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस. जब आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस जो है उसको आप अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या फिर आपका बर्न इन एड्रेस. ओके. इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द डिवाइस वेंडर. आपका जो मैक एड्रेस है वो कौन देता है डिवाइस को, डिवाइस वेंडर, जिसने डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया है, क्रिएट किया है. एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब वो डिवाइस को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है. एंड एम्बेडेड इन इट्स NIC. और आपका जो मैक एड्रेस होता है वो कहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, डिवाइस का मैक एड्रेस NIC में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में फिक्स कर दिया जाता है. विच इज़ आइडली कैन नॉट बी चेंज. और इसको चेंज नहीं किया जा सकता. राइट. The MAC address ensures the computer device physical location. MAC address की help से अगर क्या identify होता है, computer की physical location identify होती है कि आपका device इस समय कहाँ पर है. Fine. जब आपका device एक network से connected होता है तो MAC address की help से ये पहचाना जा सकता है कि आपके device की location क्या है. It helps us to identify a given device on the available network uniquely. और इसकी help से आप एक network के अंदर एक device को पहचान सकते हैं. ठीक है. तो मैक एड्रेस क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है. जैसे आपका घर का एड्रेस होता है आपकी घर की आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही मैक एड्रेस आपके डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन है जब आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है. फाइन. इट इज ग्लोबली यूनिक. मैक
एड्रेस ग्लोबली यूनिक है, मींस यहाँ किसी भी दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, इट मींस टू डिवाइसेस कैन नॉट हैव द सेम मैक एड्रेस. इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, और जो मैक एड्रेस है उसको आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं. मींस आप उसके अंदर नंबर्स लेते हो 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेट लेते हो आप ए टू एफ. ओके, एज 6 sets of 2 करेक्टर्स. तो यहाँ पे मैक एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है, 6 sets बनाए जाते हैं दो दो करेक्टर्स के ऑन ईच डिवाइस. सच एज यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है 0000A9599D6716. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर मैक एड्रेस. फाइन, वट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. विद एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जब किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, लोकल नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ओके, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन किया जाता है. असाइन मतलब उसको दिया जाता है, और वो एड्रेस कौन देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको एड्रेस देता है या असाइन करता है. राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जो भी इंटरनेट आप यूज कर रहे हो. फाइन, आप एयरटेल कर रहे हो तो एयरटेल की कंपनी आपको आपके डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करेगी. अगर आप जियो की कंपनी यूज कर रहे हो, जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो जियो की कंपनी आपको आपके डिवाइस को, आपका डिवाइस कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आपका टेलीविजन. ओके, तो यहाँ पे क्या, जितने भी डिवाइसेस ओके जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से या लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओके, नेटवर्क पे उनका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन किया जाता है, और उस न्यूमेरिकल एड्रेस को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, नाउ लेट अस रीड द डेफिनेशन. एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस. अब इसको यूनिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी दो डिवाइस का आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता. ओके, इट इज ऑलवेज यूनिक. राइट, ओके, यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस डेट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट. जैसे देखो आपका जो हाउस एड्रेस है, ओके, वो क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है. ओके, किसी भी दो घरों का एड्रेस क्या होगा, सेम नहीं होगा. ऐसे ही डिवाइसेस का जो एड्रेस होता है, जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उनके आईपी एड्रेस से होगी. फाइन, तो ये जो आईपी एड्रेस है वो एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट पे, कि वो डिवाइस कहाँ पे लोकेटेड है. राइट, उसका एड्रेस कहाँ पर है. ओके, नाउ टिपिकली असाइंड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अब आपको मैंने बता दिया कि जो आईपी एड्रेस आपके डिवाइस को असाइन किया जाता है वो कौन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है. आपने जिस भी इंटरनेट कंपनी की सर्विस ले रखी है, जैसे आपने जियो की ले रखी है, तो आपके डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा जियो की कंपनी के द्वारा. ओके, अगर आपने एयरटेल की ले रखी है, तो आपके जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, जो भी आप नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, ओके, उसको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा वो एयरटेल देगा. फाइन, ओके, एंड आईपी एड्रेस इज एन ऑनलाइन डिवाइस एड्रेस. और ये एड्रेस कब यूज होता है, जब आपका डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है. राइट, यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द इंटरनेट. और आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है इंटरनेट पर कहीं पर भी कम्युनिकेशन करने के लिए. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि अगर आपको आपके घर पे या अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचना है, तो आपको अपने फ्रेंड का घर का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप वहां पहुंच पाओगे. या आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाना है, तो उस डेस्टिनेशन का आपको एड्रेस पता होना चाहिए. ऐसे ही एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस पर अगर डेटा सेंड करना है, या दूसरे डिवाइस से अगर डेटा एक्सेस करना है, तो उस डिवाइस का एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है. इसीलिए जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, दे हैव एन यूनिक आईपी एड्रेस. ठीक है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन हो, लैपटॉप्स हो, टैबलेट्स हो, डेस्कटॉप हो, ओके, या फिर कनेक्टिंग डिवाइसेस हो, लाइक आपका राउटर है, गेटवे है, हब है, स्विच है, ऑल द डिवाइसेस हैव यूनिक आईपी एड्रेस. फाइन, नाउ आईपी एड्रेसेस आर द आइडेंटिफायर दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी सेंट बिटवीन डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. अब आईपी एड्रेस की हेल्प से ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर. ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रेवल करने के लिए एक डिवाइस के आईपी एड्रेस से दूसरे डिवाइस के आईपी एड्रेस तक. राइट,
दे कंटेन लोकेशन इन्फॉर्मेशन. ओके, तो आई पी एड्रेस में क्या होता है, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है कि किस नेटवर्क में कहाँ पर है, एंड मेक डिवाइसेज एक्सेसिबल फॉर कम्युनिकेशन. और आई पी एड्रेस की हेल्प से ही एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है. फाइन, अब यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप है. तो यहाँ पे इसका आई पी एड्रेस है 192.168.100.3 एंड दिस इज 192.168.100.4. तो यहाँ पे इन जो तीन यहाँ पे डेस्कटॉप दिखाई दे रहे हैं आपको, उनका डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस है. यहाँ पे देखो लोकल नेटवर्क, ये क्या है, लोकल नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड है और दे हैव डिफरेंट. अब यहाँ पे देखो दे थ्री आर कनेक्टेड बट उनका आईपी एड्रेस क्या है, डिफरेंट है. फाइन, ओके, तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है. अब ये क्या है, एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ राउटर. तो यहाँ पे राउटर का भी आईपी एड्रेस है. ओके, गेटवे दिया हुआ है, गेटवे क्या कनेक्टिंग डिवाइस है, इसका भी एक आईपी एड्रेस है. ओके, ना यहाँ पे गेटवे का क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट. तो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, दे ऑल हैव एन यूनिक एड्रेस, और यू कैन से यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस, एंड दैट न्यूमेरिकल एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. ओके, सो अब यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं, राइट. व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, एन आईपी एड्रेस इज अ सीरीज ऑफ नंबर. आईपी एड्रेस कैसे बनाया जाता है, ये एक सीरीज है नंबर्स की, सेपरेटेड बाय डॉट्स. यू कैन से आप बोल सकते हो सेपरेटेड बाय डॉट्स या सेपरेटेड बाय पीरियड्स. फाइन, there are two versions of IP addresses that are commonly used on the internet. okay, तो यहाँ पे पहले use होता था IPv4 and अभी recently use होने लग गया IPv6, right? okay, and IPv4 address is expressed as a set of four numbers. IPv4 जो address है, IP address का जो एक system है, उसमें क्या है, it is a set of four numbers वेयर ईच नंबर इज सेपरेटेड बाय अ पीरियड. आप पीरियड बोल सकते हो या डॉट बोल सकते हो. यहाँ पे देखो, ये जो IPv4 है वो क्या है, इट इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, राइट, एंड ईच नंबर इज सेपरेटेड बाय डॉट. ओके, द थ्री डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर इज 192. अब यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो डिजिट है 192, फाइन, ओके, इट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नेटवर्क, जो ये सबसे बड़े नेटवर्क को शो करेगा. अब देखो आईपी एड्रेस कैसे बनेगा, पहले आपका जो डिवाइस है वो एक छोटे से नेटवर्क से कनेक्टेड है. मान लो ये आपका कंप्यूटर है, वो एक छोटे से नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये मान लो नेटवर्क है. फिर ये वाला नेटवर्क उससे बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड है, फिर ये वाला नेटवर्क उससे भी बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, आईपी एड्रेस कैसे डिसाइड करेगा, ओके, यहाँ पे लार्जेस्ट नेटवर्क, देन द स्मॉलर वन, देन द एक्चुअल नेटवर्क, जो आपके डिवाइस का एड्रेस है. फाइन, ओके, द थ्री डिजिट इन द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नेटवर्क. यहाँ पे 192 किसका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जेस्ट नेटवर्क को ऑन द इंटरनेट, वाइल द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स रिप्रेजेंट द एक्चुअल होस्ट एड्रेस. तो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या है, जो आपका एक्चुअल एड्रेस है उसको विद इन द लोकल नेटवर्क, सच एज अ वर्क स्टेशन और अ सर्वर. मतलब जो भी डिवाइस है, वर्क स्टेशन है, ओके, या देखो वर्क स्टेशन किसे बोलते हैं, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसको नोड बोलेंगे या वर्क स्टेशन बोलेंगे या फिर वो सर्वर है. फाइन, तो जो सबसे पहला जो डिजिट है थ्री नंबर्स का, वो क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क है, एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स रिप्रेजेंट द एक्चुअल नेटवर्क. फाइन, ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, IPv6. IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंट 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट. यहाँ पे कितने, वहां पे क्या था, यहाँ पे इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स का ग्रुप था. फाइन, यहाँ पे क्या है, 8 ग्रुप्स है, यहाँ पे 4 ग्रुप्स था, यहाँ पे 8 ग्रुप्स है, और नंबर्स क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर्स है, राइट. यहाँ पे नंबर्स कौन से थे, ऑक्टेट नंबर्स थे, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स है, हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज हो रहे हैं. ओके, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉलन. आपका IPv4 में सेपरेशन किससे हो रहा था, डॉट से, यहाँ पे किससे सेपरेशन हो रहा है, कॉलन से. तो ये 1 आपका हो गया, देन दिस इज योर 2nd, दिस इज योर 3rd, ओके, देन 4th, देन 5th, then 6th, then 7th, then 8th, okay? तो IPv6 address है, ये भी क्या है, आईपी एड्रेस है, राइट. बट ये क्या है, डिफरेंट तरीके से असाइन किया जाता है. इसमें 8 ग्रुप्स हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें नंबर्स क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं.
Fine. Okay. Now, each internet protocol address can send information to other IP address through discrete chunks known as packets. And we know it very well. एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जब इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. फाइन. अब यहाँ पे क्या है, ईच नेटवर्क पैकेट्स कंटेन्स द डेटा बींग ट्रांसफर्ड. जो पैकेट होता है, मान लो ये हमारा पैकेट है, इसके अंदर नीचे क्या होगा, मैसेज होगा, और ऊपर क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होगा जहां पे इसको ट्रेवल करना है, जहां पे इसको जाना है. ओके. ईच नेटवर्क पैकेट्स कंटेन्स द डेटा बींग ट्रांसफर. तो यहाँ पे डेटा हो गया जो ट्रांसफर होना है, अलॉन्ग विद द हेडर. हेडर पे क्या होता है, कंटेनिंग द IP एड्रेस ऑफ द पैकेट, कि किस डेस्टिनेशन पे इस पैकेट को पहुंचना है. फाइन. तो समझ में आ गया कि IP एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है. ओके. नेक्स्ट, अब ये काम कैसे करता है, हाउ डू IP एड्रेस वर्क. ओके. एंड IP एड्रेस इज द पार्ट ऑफ TCP/IP सूट ऑफ प्रोटोकॉल. तो यहाँ पे हमारा TCP/IP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके. तो ये जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब डेटा ट्रांसफर करता है नेटवर्क के थ्रू. तो IP एड्रेस क्या है, इस प्रोटोकॉल का पार्ट है. फाइन. देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, ट्रांसमिशन में हेल्प करता है डेटा की, और IP जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, IP एड्रेस असाइन करता है. फाइन. ओके. डिवाइसेस को, इट वर्क्स बिहाइंड द सीन हेल्पिंग डिवाइसेज एंड द वेबसाइट्स कनेक्ट विद ईच अदर ऑन द इंटरनेट. ओके. अब यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल IP एड्रेस की हेल्प से डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. ओके. एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट इज मेड टू एक्सेस अ वेबसाइट. जब भी किसी वेबसाइट से डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आती है, द रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर नीड्स टू नो वेयर द वेबसाइट रिसाइड्स एंड हाउ टू रीच इट. तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है और वो उस वेबसाइट तक अपनी रिक्वेस्ट को कैसे पहुंचा सकता है. This is where the IP address comes into play. तो यहाँ पे क्या है, IP address ही सारा काम करता है. The requesting computer connects to the network router. Requesting computer क्या करता है, अपना जो भी उसको request है वो send कर देता है. कहाँ पे, जिस network से वो connected है. राइट. उस नेटवर्क के राउटर के पास रिक्वेस्ट जाती है, कनेक्टिंग डिवाइस के पास रिक्वेस्ट जाती है, विच कनेक्ट टू द वेब सर्वर. और राउटर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस उसको कहाँ पे भेज देता है, वेब सर्वर पर, उस वेब सर्वर पर जहाँ पे वो वेबसाइट है. फाइन. ओके. द वेब सर्वर देन पुल्स द वेबसाइट इंफॉर्मेशन. वेब सर्वर क्या करता है, उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को निकालता है एंड सेंड इट बैक टू द रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर. और जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी होती है कि मुझे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके पास डेटा सेंड कर देता है. अब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट जो जाती है वो भी किसके अकॉर्डिंग जाती है, अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस. फाइन. और जो डेटा आता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, वो भी किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस. फाइन. Each device in this process, including the computer, router, web server, carries a uniquely identifiable IP address. तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि जितने भी devices पूरे process में involved हैं, उनका एक particular IP address होता है. Fine. Without which the transfer of information will not take place. और इस IP address के बिना information का transfer हो ही नहीं सकता. Okay. अगर आपको किसी destination पे जाना है and you don't know the address of the destination, तो क्या आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो. आपको क्या चाहिए, आपको उस डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होना चाहिए. राइट. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब. इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स डेट कम्युनिकेट विद ईच अदर. इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके बनाया गया है. और जितने भी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइट. नाउ वेब, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. वेब क्या है, एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं. एंड मल्टीमीडिया कंटेंट्स. और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक मल्टीमीडिया कंटेंट मिलता है आपको, ऑडियो मिलता है, मल्टीमीडिया मिलता है, वीडियोस मिलता है. ओके. एक्सेसिबल बाय द इंटरनेट. अब वेब क्या है, वो डेटा जो आपको इंटरनेट की हेल्प से मिलता है उसको आप बोलते हो वेब. राइट. तो यहाँ पे वेब क्या है, वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन
इंटरनेट। वेब क्या है, एक इंफॉर्मेशन का पूरा एक ग्रुप है जो आपको इंटरनेट की हेल्प से मिलता है, राइट। जितने भी ऑडियोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर यू आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, राइट, जिसने डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया। अब इस नेटवर्क को आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, इस नेटवर्क को आप यूटिलाइज कर रहे हो बाय टेकिंग द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। और वो डॉक्यूमेंट्स, वो डेटा क्या है, वो वेब है, राइट। Now, the concept of the internet emerged in 1960s. Internet का concept 1960 में आया था, right? The web was invented by Tim Berners-Lee in 1989. और web को किसने invent किया था, Tim Berners-Lee ने invent किया था in 1989. ओके, इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग राउटर्स, केबल्स एंड डेटा सेंटर्स। तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, और इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लाइक वायर्स हो गया आपका, मतलब केबल्स हैं आपके, राउटर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट क्या है, इट रिक्वायर्स अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर to create a network, right? Now web क्या है, it operates on client server model. अब ये तो आपका क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया इंटरनेट, ओके। और इस हार्डवेयर की हेल्प से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सॉफ्टवेयर, राइट, और यू कैन से आपको मिल रहा है डेटा, राइट। तो यहाँ पे वेब क्या है, इट ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। आपका जो वेब है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे डिपेंड करता है, वेयर वेब ब्राउजर, जो आपका वेब ब्राउजर होता है वो एज अ क्लाइंट वर्क करता है, ओके। आप अपने वेब ब्राउजर से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इंटरनेट से, राइट, उसकी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, और वो रिक्वेस्ट आपको सर्वर आपके सिस्टम पर अवेलेबल करवाता है, राइट। आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो और आपको डेटा आप अपने सिस्टम पर रिसीव करते हो, ओके, बाय द सर्वर। सर्वर वो डेटा आपके पास सेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल से लो, ये हो गया आपका बॉक्स, राइट, और ये बॉक्स क्या हो गया, ये बॉक्स हमारा इंटरनेट हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिए बहुत सारे एप्पल्स जो मुझे चाहिए, राइट, तो ये एप्पल्स क्या होंगे, मेरा वेब हो गया, राइट। तो इस इंटरनेट में से मैं अपने वेब को यूज़ कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे वेब क्या है, मेरा डेटा है जो इंटरनेट मुझे प्रोवाइड करता है, और ये डेटा मैं किसकी हेल्प से लेती हूँ, वेब ब्राउज़र की हेल्प से लेती हूँ, और ये डेटा आता कहाँ से, सर्वर से मेरे वेब ब्राउज़र पर आता है, राइट। Now, the internet is a vast network that connects computer networks all over the world. तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना वास्ट नेटवर्क है, जिसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ओके, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में कम्युनिकेट कर सकते हो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट। Now, World Wide Web is a service provided by the internet. तो World Wide Web क्या है, एक सर्विस है जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ओके। Now, ARPANET was the first version of the internet. इंटरनेट का जो first version evolve हुआ था उसका नाम है ARPANET. Fine. And WWW was initially known as the NSFNet, right? जो web है, right? ARPANET was the first version of the internet. इंटरनेट के फर्स्ट वर्जन को ARPANET कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओके। WWW was initially known as NSFNet, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, और सिंपली आप कह सकते हैं वेब है, उसको इनिशियली NSFNet कहा जाता था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, फाइन। द इंटरनेट इज प्राइमली हार्डवेयर बेस्ड। इंटरनेट क्या है, आपका टोटल हार्डवेयर है, ओके। यहाँ पे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स, विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स, अदर डिवाइस लाइक राउटर्स, कनेक्शन सेंटर्स एक्सेट्रा, राइट। WWW क्या है, वो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे WWW क्या है, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, ओके। इंटरनेट कैन बी व्यूड एज अ बिग बुक स्टोर। इंटरनेट क्या है, एक बुक स्टोर है, आप इसको एग्जाम्पल में एज अ बुक स्टोर ले सकते हैं। वेब कैन बी व्यूड एज कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन डेस्क स्टोर। और इस बुक स्टोर में क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, जिनको आप यूज कर सकते हो,
राइट. द इंटरनेट यूजेस द TCP/IP प्रोटोकॉल टू कनेक्ट डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड. इंटरनेट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए. राइट. द वर्ल्ड वाइड वेब रेफर्स टू ऑनलाइन कंटेंट दैट इज फॉर्मेटेड इन HTML. वर्ल्ड वाइड वेब में जितना भी कंटेंट अवेलेबल है राइट, वो HTML में क्रिएट किया गया है, DHTML में क्रिएट किया गया है. ओके. और भी अब तो और भी लैंग्वेजेस आ गई हैं, PHP वगैरह. ओके. एंड एक्सेसिबल बाय द HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल. और आपको आपके पास जो डेटा आता है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं, वेब पेजेस आते हैं, वो किसकी हेल्प से आते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की. राइट. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S4 सिक्योर. ओके. द इंटरनेट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, नेविगेशन, एडवर्टाइजिंग एंड बैंकिंग. आजकल इंटरनेट हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, नेविगेशन हो. तो ये इसके क्या है, एप्लीकेशंस एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे इंटरनेट यूज़ होता है. वर्ल्ड वाइड वेब इज़ यूटिलाइज्ड टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से आप वर्ल्ड में कहीं पर भी इंटरनेट के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो. फाइन. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.